हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आज की जो हमारी वीडियो है एक कैरियर के विंडो एसी पर है। इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें दो तीन चीज़ें करी। सबसे पहले तो मैंने कैपेसिटर चेक करा जो इसका मेन लगा हुआ था, तो ये कैपेसिटर क्या था, ख़राब। तो मैंने कैपेसिटर से कनेक्शन दिए दूसरे कैपेसिटर को, क्योंकि ये कंबाइन कैपेसिटर था, मेरे पास सिंपल कैपेसिटर पड़ा हुआ था, मैंने उसे इसे सप्लाई दी। मैंने इसके आपको दिखा देता हूँ गाइज, मैंने इसमें किया क्या था। मेरे पे जो कैपेसिटर था मैंने उसको इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर बना दिया है। सबसे पहले तो मैंने एक तार ली, ये ग्रीन वाली तार है, मैंने इसको इसके जो इसमें रनिंग आ रही थी उसके साथ कनेक्ट करके एक कैपेसिटर को दे दी और स्टार्टिंग मैंने इस कैपेसिटर पे लगा दिए। इसके अलावा ये कंबाइन कैपेसिटर था, मेरे पे शायद 6 का है, 6 का कैपेसिटर नहीं था इसलिए मैंने 6 का अलग कर दिया था। इसे फ़ैन कैपेसिटर इसे ही रहने दिया, इसकी जो स्टार्टिंग थी वो हटा के इस पर लगा दिए छोटे वाले कैपेसिटर पर और वहाँ से इस पर कनेक्शन दे दिए। तो गाइस सिंपल सा फंडा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको पता है कंप्रेसर की स्टार्ट होती है, तो मैंने कंप्रेसर की स्टार्ट यहाँ से हटा के दूसरे कैपेसिटर पर लगा के इधर से क्या रनिंग उठाई और उसको न्यूट्रल दे दिया ताकि उसका कैपेसिटर में कैपेसिटी आ जाए और वो उसे चला दें। तो गाइस जब भी आपको कभी ऐसी दिक्कत मिले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या कंबाइन कैपेसिटर ला के सारे ही वायर चेंज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कई बार ना आपको पता नहीं लगता कि पीसीबी ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है, तो हमने ना इन दोनों तारों को हटा के शॉर्ट कर दिया था। ये देख रहे होंगे दोनों जगह से कटी हुई है। डायरेक्ट कंप्रेसर चलाया था, डायरेक्ट कंप्रेसर चल गया था। फिर मैंने अब इसे रिले पे लगाया ताकि मुझे रिले का भी पता लग जाए रिले चल रही है कि नहीं। मैंने वापस लगाया, 3 मिनट बाद रिले भी ऑन हो गई और इसे चला दिया। गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में आकर जरूर बताएं, लाइक शेयर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।